आज मैं आपको लेकर आ गया गुजरात के जामनगर शहर में। तो यहाँ पे मिलती है अनलिमिटेड गुजराती थाली। तो चलिए चलते हैं इनके ओनर से बात करते हैं, अपने लिए यहाँ पे फेमस गुजराती थाली लगाते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है नथु भाई माटिया। सर कितना टाइम हो गया शॉप को? 10 साल हो गया पूरा, 2012 में स्टार्ट किया था हमने। सर आपकी थाली में ऐसी क्या खासियत है कि लोग इतना पसंद करते हैं? सर उसमें क्या क्वालिटी हमारा अच्छा होता है, डेली का फ्रूट अच्छा होता है और हम कभी वासी नहीं रखते हैं। अच्छा। आज का आज, कल का कल ऐसा कभी दूसरे दिन हम नहीं रखते हैं। फ्रेश माल रहता है और क्वालिटी? हाँ क्वालिटी फ्रेश माल होता है और प्राइस कम है, खाना अच्छा होता है। थाली कितनी रहती है गुजराती थाली? 120 रुपया। 120 रुपये सब चीज़ अनलिमिटेड होती है। तो सर क्या क्या वैरायटी रहती है आपके पास? तो सर 3 सब्जी रहता है, दाल चावल, स्वीट, खमन ढोकड़ा, 10 जात का सलाद होता है, छाछ होता है, हर चीज़ अनलिमिटेड होती है। सर आपने जब स्टार्ट किया था तो थाली का प्राइस कितना था और आजकल? हाँ सर वो तब तो 50 रुपया था। 50 रुपये? 10 साल में 50 रुपये 60 रुपये बढ़ाया। 120 है। वैरायटी में सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं थाली में? सर हर चीज़ सर हमारा पसंद ही है सर। कोई भी चीज़ ले लो आप, कोई भी चीज़ में मजा आएगा सर आपको। ऐसा नहीं कि नहीं खाना ऐसा लगेगा सर। हमारा काठियावाड़ी सब्जी होती है। थोड़ा जामनगर के बारे में बताइए, लोग कैसे खाने पीने के शौकीन रहते हैं, थोड़ा बताइए। नहीं शौकीन बढ़िया है जामनगर में, शहर छोटा है लेकिन पब्लिक खाने में दिलचस्पी रखते हैं। तो अभी क्या लगा रहे भैया? ये पापड़। पापड़? हाँ पापड़। खीर? ठीक है। तो ये डलने वाली खीर आपको, ये देखिए ये आ गया खमन, ये सर चना मसाला है, चना मसाला और बटर का बटाटा और दाल है और ऊंधियो है। ठीक है ऊंधियो गुजराती। जामनगर की स्पेशल गुजराती थाली यहाँ पे लग चुकी है। तो मैं आपको बताता हूँ थाली में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है इनकी खीर जो कि स्वीट डिश में इन्होंने मुझे दी है, ये है इनकी छोले की सब्जी, ये है इनकी आलू की सब्जी, ये है दाल, ये है हुंदिया जो कि मिक्स वेज रहता है, और साथ में इन्होंने मुझे पापड़ दिए हैं, खमन दिए हैं और थोड़े से मैंने राइस डलवाए हैं। आपको पराठा और रोटी में काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, वो भी ट्राई कर सकते हो। तो देख सकते हो कितनी सारी वैरायटी रखी है सैलेड में। तो इन्होंने लोटा भर के छाछ दिए, ये भी अनलिमिटेड रहती है। तो चलिए अपनी गुजराती थाली ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं चपाती लूँगा, तो सबसे पहले छोले ट्राई करता हूँ। तो छोले तो मैंने बहुत बार खाए हैं, बट जो इनके छोले की ग्रेवी है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, जो कि अमृतसरी छोले होते हैं, पंजाबी स्टाइल छोले होते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है, थोड़ा चटपटा होता है। तो नेक्स्ट मैं इनकी आलू की सब्ज़ी टेस्ट करूँगा। ये आगे इनकी आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्जी भी इनकी वैसी बनी जैसे कि हम आलू पूरी सब्जी खाते हैं नॉर्थ इंडियन, तो एकदम वैसे ही टेस्ट है, एकदम मसालेदार बढ़िया सा चटपटा सा टेस्ट है और एकदम मसालेदार है। तो नेक्स्ट मैं इनका हुंदिया ट्राई करूँगा। तो ये जो बॉल रहती है ये बेसन की रहती है, तो ये जो बॉल्स रहती है इसको अच्छे से मिक्स करके बनाया जाता है और उसका टेस्ट हल्का सा स्वीट रहता है और हल्का सा टैंगी रहता है। तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। लास्ट में मैं इनका स्वीट ट्राई कर लूँगा। एकदम सिंपल सी खीर है जैसे आप घर पे खाते हो, एकदम वैसे ही टेस्ट है। और जो इनकी थाली है एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं होममेड खाना खा रहा हूँ, एकदम बहुत ही बढ़िया है। 120 रुपये में आपको अनलिमिटेड थाली मिल जाएगी, आप जितना मर्जी डलवा सकते हो, जितना मर्जी खा सकते हो। टाइमिंग क्या रहती है आपकी खीर? टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से रात को 11 बजे तक। 11 बजे तक। हफ्ते में कितने दिन ओपन रहता है ये? पूरा दिन 365 दिन कभी बंद नहीं होता हमारा शॉप। और एड्रेस बता दीजिए कि जो यहाँ पे आना हो। जामनगर गुजरात, जामनगर खोड़िया कॉलोनी, दिग्जाम सर्कल, मालदारी। तो अगर आप जामनगर रहते हो या विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आके इनकी थाली का जरूर टेस्ट कीजिए। 120 रुपये में इतनी बड़ी आपको थाली खाने को मिल जाएगी अनलिमिटेड हो गई। थाली जो है काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आप इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मैं तब से नेक्स्ट वीडियो।